हेलो पिला माने असेसिन एजुकेशन YouTube चैनल ले तुम मानको स्वागत। तो पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि सकथु आज हमें कोन पढिबा को जाउछंती ना हमर कम्युनिकेशन चैप्टर जहा कि आपन मानकर कम्युनिकेटिव इंग्लिश जहा कि पिला माने तुमरो कोन ना प्लस 3 सेकंड ईयर पिला मानकर हमर थर्ड सेमेस्टर रो पिला माने आपन मानकर कोन ना कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ओके तो हमें देखिबा कम्युनिकेटिव इंग्लिश जहा कि तुम मानकर कोन ना प्लस 3 सेकंड ईयर पिला मानकर आपन मानकर कोन ना थर्ड सेमेस्टर रो आपन कंपलसरी सब्जेक्ट रहिछि। तो पूर्व क्लास रे मु आपन मानक पई हमर कम्युनिकेटिव इंग्लिश रो क्लासेस स्टार्ट कर देथिलि पिला माने आपन मानक पई फर्स्ट वीडियो रे मु आपन मानक सिलेबस रिलेटेड पढे देथिलि से टाइम रे सिलेबस पढे सारला पर मु आपन मानक आ कोन कोन पढेथिलि देन नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन पढेथिले ना हमर यूनिट 1 पिला माने पढेथिले यूनिट 1 रो हमें कोन पढेथिले ना व्हाट इज कम्युनिकेशन देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देन थरो टाइप्स द का हमें डिस्कशन करथिले गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर आपन मानक कोन ना फोर्थ हमर थर्ड सेमेस्टर पाइ पिला माने डा हमर थर्ड सेमेस्टर तुमरो ए कंपलसरी इंग्लिश हमर कंपलसरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश सब्जेक्ट अछि। ओके तो थर्ड सेमेस्टर पाइ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढथिले आज हमें आउ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने इंपोर्टेंट पढिबा से यूनिट 1 रो। ओके से यूनिट 1 रो आउ कोन कोन अछि हमें देखु छथि ना यूजेस अछि तापर आपन मानकर आउ कोन अछि ना यूजेस सहित आपन मानकर अछि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तापर आपन मानकर कम्युनिकेशन रो प्रोसेस तापर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन ए सब आपन मानकर थर्ड बिट फोर्थ बिट रे अछि। तो आज हमें पढिबा थर्ड बिट ता पढिबा तापर मु आप जदि टाइम हो हम फोर्थ बिट पढिबा अदरवाइज पुने फोर्थ बिट हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। ओके सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोन पढिबा ना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एटा हमें यूनिट 1 रो पिला माने पढु छथि। फर्स्ट हमें पढिबा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तो आमे जे कम्युनिकेशन कहउछंती यार प्रोसेस टी केमिति मु तो मान को पूर्व रु कोन जणै थिली ना कम्युनिकेशन होउछि जणे किंबा दि जण हमर जणे हमर दि जण किंबा दि जण रु अधिक मध्य रे कम्युनिकेशन टी हेबो कोन कम्युनिकेशन टी हेबो ना आमे इन्फॉर्मेशन शेयर करिबा बा हम आइडिया शेयर करिबा हम थॉट्स शेयर करिबा इडा होछि हमर कम्युनिकेशन। ताहले ए जो कहली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन माने कम्युनिकेशन हेउछि केमिति जणे जे के हेले पठौथिबो हमर किछि इन्फॉर्मेशन तो जीए पठैला सीए पिला माने कोन ना आपन मानकर सेंडर जणे मेसेज टी पठैले तो आ जणक पाखकु जीवो कि नै तापर पिला माने जीए जा पाखकु जीवो सीए हेबो कोन ना आपन मानकर रिसीव करिवो बुझियो छि नै से होछि रिसीवर। ओके से होछि कोन ना रिसीवर जणे मेसेज पठैला जणे सेंड कला आ जणे कोन कला ना रिसीव कला बुझियला ये कोन दि जण खाली दि जण को द्वारा हे जीवो कि हमरो कम्युनिकेशन एटा होची हम कोन पठैला से मेसेज पठैला। ओके से कोन पठौची मेसेज रे पठौची देन ए जो मेसेज टी से पठौची ता पई किछि तो पुनी गोटे हमर कोन मीडियम दरकार तो ए जो मेसेज टी आकु पठौची ता पई गोटे मीडियम टी दरकार बुझियला तापरे ये जो मीडियम द्वारा कोन कोला ना मेसेज टी को पठैला तापर ता पाखु पहुचिला એટલે ये जो मेसेज टी पठौची कोन करूची से एनकोडेड करूची एनकोड करूची मेसेज ते आपको हमें कहिबा एनकोडिंग जे मेसेज पठौची से एनकोडिंग करूची बुझियला जे मेसेज टी पाउची से कोन करूची ना डिकोडिंग। तुम्हें माने मूवीज मूवीज देखिथिबो मूवीज रे कहा जाय गोटे मेसेज टी आसी छी मन कर तुम्हें जे कोन से हमर जे कोन से तुम्हारो आर्मी रिलेटेड मूवी किमा जा किछि हमरो स्कैम रिलेटेड मूवी किमा हैक रिलेटेड मूवी ए सब देखिथिबो सेति कोआ जाय कि गोटे हमरो मेसेज आसी ताकु डिकोड करो तो ये हम जी डिकोडिंग जे मेसेज आ पठैला से एनकोड करिछि देन जे रिसीव कला से डिकोड कला ता माने कोन डिकोड कला माने से मेसेज टी को रिसीव कला एवं याकु कोन देला ना फीडबैक जे मु मेसेज टी पाइलि ताहले जे कि जणा पड़िबो जे हमरो हमरो कोन कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हे कि एंड हला कोन ला सेंडर पठैला से एनकोड कला जे रिसीव कला से डिकोड कला मेसेज टी को डिकोड कला पोरे जाई कि से जानि पाला मेसेज टी मो पाख कोन आसी छि आ से जानि पाला पोरे जे फीडबैक देबो नियाति से किछ रिप्लाई करबो बा जहां ले भी हमर त रिएक्शन रहिबो ता पोरे जाई कि हमर कोन कोन कम्युनिकेशन प्रोसेस टी एंड होबो। तो ये छला तुमरो कम्युनिकेशन प्रोसेस जानि गलो सेंडर कोन रिसीवर कोन देन तुमरो मीडियम कोन एनकोडिंग कोन डिकोडिंग कोन फीडबैक कोन मेसेज कोन जेतिकि रहिला सबु थियो आपन मानकर किछि किछि लाइन तमे लिखि देले हे गला ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जहां बुझैले तार नोट मु आपन मानको प्रोवाइड कर देबि पिला माने सेति पई तमे माने ओरिट हबो नाही। ओके सेंडर माने जानिलो जे हमर मेसेज टिकु पठौछि। ओके सेंडर इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन तो सेंडर कोन करे ना हमर कम्युनिकेशन टिकु स्टार्ट करे। ओके तापर आसी गला मेसेज इट इज द आईडिया और इन्फॉर्मेशन और व्यू और फैक्ट
और फीलिंग्स एटसेट्रा दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर। मैसेज टा का द्वारा जनरेट होची हमरा सेंडर द्वारा जनरेट होची बुझि पाललो। तापर कोन देखो रिसीवर कोन करूची ना इन द प्रोसेस हु इज लास्ट इन द चेन। ए चेन रे लास्ट के होची रिसीवर जे कि हमरा रिसीव करूची। तापर डिकोडिंग माने कोन तुम कहली हमरा मैसेज टी डिकोड कला पर जाई कि से पढूची देन फीडबैक दउची। देन तुम्हारा मीडियम कौन कौन हो पारे मे भी तुम टेलीफोन हो पार इंटरनेट हो पार पोस्ट हो पार फैक्स हो पार इमेल हो पार ये सब तुम हो पार मीडियम। तो ये पे तुम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीटेड। ओके जो तुम क्वेश्चन आसो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्री मार्क्स तुम आराम से लिखिपार कि तुम सेवेन मार्क लॉन्ग क्वेश्चन भी आसा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पढ़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन द्वारा एडवांटेजेस कौन कौन हो जो हायर अथॉरिटी आ जो लॉयर अथॉरिटी जदि दि जन भितर कम्युनिकेशन ठीक ठाक रहिला तार किछि प्रॉब्लम हबो कि किछि प्रॉब्लम हबो नि। तापर इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस कन्फर्मेशन एंड कन्फ्यूजन। तो हमर कम्युनिकेशन द्वारा कोन हबो ना कन्फ्यूजन दूर होइ पारिबो एवं हमर एफिशिएंसी आ प्रोडक्टिविटी डा बढ़ि पारिबो। तापर कोन कहिला ना इट हेल्प्स इन बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल एंड ऑर्डर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये हमर इंप्लीमेंट करि परिबो हमर जा किछि भी ऑफिशियल काम रहिछि बहुत इजीली। देन इट फैसिलिटेट्स टीम वर्क ये मध्य टीम वर्क रे हेल्प करिबो के ना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रहिले हमर टीम रे जति कि मेंबर थिबे समस्त मधे रे कम्युनिकेशन भलो रहिले हमर टीम वर्क डेवलप हेइ परिबो। तापर आपन कहिछि इट प्रोवाइड्स तापर हमर कहिछि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमरो एम्प्लॉयमेंट मध्ये क्रिएट करि परबो केन थी देखो जदि दि जनक कम्युनिकेशन वाला जन को इंटरव्यू नै कि से जानि परबो या पकर केते कैपेबिलिटी अछि से कैपेबिलिटी को देखि कि से ताको कोन कहबो एम्प्लॉयमेंट देबो। तबे डिसएडवांटेजेस कोन हम तो जानि छथि कम्युनिकेशन द्वारा हमर सब एडवांटेजेस होछि। देन डिसएडवांटेजेस कोन इट कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर मैनेजमेंट टू कंट्रोल एम्प्लॉइज। ता माने कोन पिला माने देखो तापर देखि इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट मोच कंट्रोल एंड पावर विथ मोर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अत्यधिक पिला माने कम्युनिकेशन जदि तुम्हारा क्लोजर हे गला बुझि गेला। तो डिसएडवांटेजेस ता कोन रहउची कॉन्फ्लिक्ट मध्ये बेले बेले क्रिएट करिथाय जदि तुम्हारा कम्युनिकेशन इति हायर अथॉरिटी लॉयर अथॉरिटी चालीची माने कर एंती लॉयर अथॉरिटी मध्ये रे किछि एंती चालला कथावार्ता जे हायर अथॉरिटी रे किछि गोटे माने हमर कोन पॉइंट अछि बा किछि गोटे गुड पॉइंट थिले भी माने कर के स्टार्ट कला ता बैड पॉइंट। तो ताको भीतर कम्युनिकेशन चलला कम्युनिकेशन बढ़ी की कौन हम से गोटे रिवल्यूशन स्टार्ट करिबो आ जो रिवल्यूशन ना कौन करबो से ऑर्गेनाइजेशन पाई कौन ना प्रॉब्लम क्रिएट करि पारे बुझिया लागे नै। तो बेले बेले कौन हुए जते जिंस हमर भलो हेले मध्य बेले बेले किछि जिंस कौन हेथाय ना हम पाई डिसएडवांटेजेस मध्य क्रिएट करिथाय। ओके तो इतर तो डिसएडवांटेजेस तापर यूज कौन कौन करू छै हमें कम्युनिकेशन को बुझियला एडवांटेजेस कौन जानिलो देन डिसएडवांटेजेस कौन जानिलो। ओके तापर एबे हमें जानिबा जे हमें यूज केउ थिरे करू छै या नोट पिला हम तुमन को प्रोवाइड करबि डोंट वरी यूजेस कौन कौन। ओके सो यूजेस कौन कौन पिला माने देखो क्लियरिटी द पर्पस ऑफ द मेसेज जहां मेसेज करे तार पर्पस ता जणा पड़िबो। यूज इंटेलिजिबल एनकोडिंग एनकोडिंग मध्ये हमें करि परबा एनकोडिंग तुमको जणैली जों इंटेलिजिबल माने जे कोनसी हैकिंग रे हो हम गवर्नमेंट हैकिंग मध्ये अछि तापर आपन मान कर जहां किछि भी सब ऑफिशियल सोइ छि से उडा यूज हे परबो। देन कंसर्ट अदर्स व्यू हमें अदर्स व्यू मध्ये नै परबा कम्युनिकेशन द्वारा मान कर हमें आगो को किछि करबा को जाउ छथि त हम सीनियर्स को हमें बुझु छथि हम पेरेंट्स हमको एडवाइस करु छथि ए टाइप रो होछि। देन कंसीडर रिसीवर्स नीड्स रिसीवर जहाँ दरकार कर कनसीडर करेंगे। यूज आप्रोप्रिएट टोन एंड लांगुएज आम आप्रोप्रिएट टोन एंड लांगुएज यूज करवा दरकार हमारा यूज अफ कम्युनिकेशन मैंने कम्युनिकेशन आप भाया यूज कर कम्युनिकेशन को। देन गेट फीडबैक फीडबैक बुझे टू स्पीक टू अदर टू एक्सप्रेस इमोशन एंड थॉट आम इमोशन आम थॉट को आम एक्सप्रेस कर। देन इन जनरल टॉक कन्वर्सेशन ग्रुप डिस्कशन हो पारे इन जनरल आपर कौन हो सोशल आपर कौन ओकेजन से पार्टी देन ओकेजन आपने डिसीजन नहीं पार्टी प्लानिंग करम्युनिकेशन द्वारा कौन हो टू एक्सप्रेस वेरियस मूड्स सच आज
anger, joy, this is our communication द्वारा होची. Then to communicate our feelings and emotion. इटा होची हमारा कौन? ना communication रा uses. ये थी ना हमारा communication रा process and uses. ये वोटा तुम्हारा long question मध्य आस्ती पारी को पिला मने. तापर तुम्हारा आगे वोटा important 3 marks question मध्य पिला मने बड़े-बड़े exam रे आस्ते. कौन सही टाइप पिला मने? ना intercultural communication. तो intercultural communication माने कौन? Cultural माने तुम माने जानी जाइए वो जो हमारा culture ऊपर depend करती हो. Intercultural communication माने तो देखो मु तुमनको बुझे दउ छी जे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन माने कोन कल्चर इज ए सेट ऑन वैल्यूज बिलीफ ईटिंग हैबिट्स कस्टम्स ड्रेसिंग स्टाइल्स एंड कोर्स दैट लीड पीपल टू डिफाइन देमसेल्व्स ए डिस्टिंक्ट ग्रुप कल्चर इज एवरीथिंग दैट पीपल पजेस देयर वैल्यूज आइडियाज एटीट्यूड्स तो पिलो माने देखो आमे जे कोनोसी उटे कल्चर को एग्जांपल नेबा ओके उटे कल्चर को एग्जांपल नेबा तमे कहिबो मु कोई भी गोटे कल्चर मन कर जेकोस तुम गोटे कल्चर नब तुम एम इंडिया रोचे हिंदू आम रिलीजन कौन ना कि हिंदू अच्छा मुसलिम अच्छा देन ख्रीन अच्छा डिफरेन्ट डिफरेन्ट रिलीजन अच्छा से रिलीजन अनुसार समस्त कल्चर अलग रही तो कल्चर जो डिपेंड कै क्या डिपेंड कै आम स्टेइंग स्टाइल आम कमी रोचमें बसवास करम ड्रेसींग स्टाइल केमी आम जमी ड्रेसींग स्टाइल रोचे मुसलिम मान ड्रेसींग स्टाइल अलग रोचे कल्चर अलग रोचे आम ईटिंग स्टाइल केमी रोचे मानने आमर जेकोसी आम जे कहीं भी हूँ जहाँ भी कल्चर जमी भी हूँ सब डिफरेन्ट रोच कि ना ईटिंग स्टाइल हूँ ड्रेसींग स्टाइल हूँ देन रहा स्टाइल हो देन डिफरेन्ट डिफरेन्ट आपल्यूज रो पैटर्न रो सब कि आप चेज रोच तो ये जो चेंजेस आसुच्छे आम कम्युनिकेट इंग्लीश कौन कहूँ ना तुम जो कम्युनिकेसन हो जहाँ कि भी आप सिंबल द्वारा तुम जापार मानने कम्युनिकेसन अर्थ नुए खाली आम दिज कथा हाँ बुझे लगे जो द्वारा तुम मैंने जापर कि मुस्लिम हो बुझे लगे सोशल एथनिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड इज कॉल्ड इंटरकल्चरल अपनर कोन ना कम्युनिकेशन बुझिएला तो एडा मु को नोट मध्ये पठे देबी तमे आउ थरे पढिबो देन कहिछि इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पीपल ट्राई टू नो द इंफॉर्मेशन कन्वे टू देम बाय द अदर कल्चर्स तो अदर कल्चर द्वारा से माने जानिबे जे ताके कोन मेसेज करा जाइछि तापरे प्राइमरी पर्पज ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरली मेडिएटेड कम्युनिकेशन तो यार मेन पर्पज कौन ना कल्चरली जहाँ कि भी आम मेडिएटेड होमपाई ओके देन देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन ए रीजन दैट इज सोशल कस्टम स्टाइल ऑफ ड्रेस देन रिलीजन देन वैल्यूज देन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देन बॉडी लैंग्वेज केमती से सब कुछ नहीं कि तुम डिफर कैसे कौन ना इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन देन डेवलप इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल आम कमी आम डेवलप कर पारिबा इंटरकल्चरल हमर कोन ना कम्युनिकेशन स्किल व्हाइल टॉकिंग विथ पीपल ऑफ अदर कल्चर आम जो बड़े अगर गोटे कल्चर लोक कथा होती इट नेसेसरी टू नो देयर लैंग्वेज माने लैंग्वेज केमती आमको जानवा दरकार बिकज जदि आम लैंग्वेज जो आम अलग थी धर आम कौन कथ सहित कि लैंग्वेज जाना दरकार कल्चरल बैकग्राउंड कौन जाना दरकार तापर हिस्ट्री कौन जाना दरकार हिस्ट्री मानने कौन हिस्ट्री सोशल कस्टम्स फूड एंड ड्रेस हैबिट्स ये सब जानते सहित कौन कर ना जब तुम गोटे एरिया को गल मनकर आम एले मनकर कौचे मनकर आम ए चेन्नई जाठ तो नर्माली आम शो करवा जब मनकर मुझे गली मनकर आम काश्मीर सैड गली तो से कौन होना कल्चर आम मे भी पाखापाखि सामान रोथ बट किसी केस कौन हम तक ड्रेसींग स्टाइल्स अलग रोचे आम थंडा एरिया तो आम जब से सहित कथबार्ता सहित रहा किसी दिन रहा देखो ड्रेसींग स्टाइल कौन जाना देन से सब आम कम्युनिकेशन कल्चरल होटे अलग कल्चर रही आम गोटे अलग कल्चर रही तो ये हो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बुझेगा तो ये आम कौन करना आम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को डेवलप कर पार्बा तो देखो हाउ रेस्पेक्ट टू अदर पर्सन थ्रो गेस्टर्स एंड आई कंटाक्ट
तो आम आई कंटाक्ट द्वारा केमती अन्य मानको रेस्पेक्ट मजे होई परबा तापर लिसन केयरफुली टू द कंटेंट ऑफ द मेसेज जदि जने मेसेज करूची इंटरकल्चरल मेसेज करूची आम फर्स्ट ऑफ ऑल भलसे सुनिबा मेक वर्बल एंड नॉन वर्बल कंसिस्टेंट तापर आपन लर्न अबाउट वेरिएशंस इन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस तापर कहिची वोंट पुट योर बिलीफ्स थॉट्स अपॉन द ऑर्डर तापर कहिची हाइड योर पर्सनल एटीट्यूड्स बिलीफ आइडियाज तापर बी फ्लेक्सिबल इन हैबिट्स प्रेफरेंसेस एंड एट्रिब्यूट्स मेंटेन इक्विटी थ्रूआउट द स्पीच तो ये सब थिला तुमर कोन ना इंटरकल्चरल हमर कम्युनिकेशन को केमती तुम्हें डेवलप करिव तापर पिल माने आपन मन को अछि कम्युनिकेशन टुडे आपन मन को टुडेस रो कम्युनिकेशन केमती रहिछि देन इंडियन कम्युनिकेशन बा हमर इंडियनाइजेशन कम्युनिकेशन इन इंडियनाइजेशन ता मध्ये रहिछि तो सेटा आपन मन को फोर्थ बिट रे पिल माने अछि थर्ड बी सो आई होप कि तुमको इनफो आम क्लास बहुत भल लगे कि किसी नलेज गेन करश्चित भाव तुमको मैं ये सेयार कर दिव तुम फ्रेंड्स मान जोद्वारा से किसी नलेज गेन करेंगे ओके देन आम एक्जाम जो पाखे आसो आम एक्जाम रिलेटेड डिस्कसन करवा क्वेश्चन देखा कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसपार कौन कौन सर्ट क्वेश्चन आसपार कौन कौन लंग क्वेश्चन आसपार जो टू मार्क्स कौन कौन आसपार ऑल डिटेल्स आम डिस्कसन करवा ओके पे सो आज ये विदाय नौ आशीष धन्यवाद।